हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश फॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको वीजे मोडेक्स पे कैसे सबमिट करना है। मैंने ऑलरेडी वैसे भी वीडियो बनाया हुआ है लेकिन काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई है, तो अब नए तरीके से आपको कैसे आपको वीजे सबमिट करना है तो वो चीज़ आपको इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो कैसे वीजे सबमिट करना है तो उसके लिए हमें चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, हम आज के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे हमें कैसे वीजेएम सबमिट करना है वो आपको इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो ये आप जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे आपको ई वीजेएम आप जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, कौन से पोर्ट के लिए आप ये सबमिट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर वो पोर्ट सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं नवाशिवा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एरो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये जो आप वीजेएम का ऑप्शन देख रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शिपिंग लाइन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी शिपिंग लाइन है। यहाँ पे आपको वेसल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर वेसल नहीं भी करते हैं तो चलेगा। यहाँ पे जो रेड वाला है आपको ये आपको भरना है, ठीक है, जो रेड देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पोर्ट ऑफ लोडिंग आपको डालनी है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको बुकिंग नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे शिपर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शिपर का नाम डाल देना है, यहाँ पे आईसी सेलेक्ट करके यहाँ आईसी नंबर डाल देना है, यहाँ पे ऑथराइज पर्सन जो भी उसका नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे आपको मैनेजर जो भी है वो आपको यहाँ डाल देना है, और यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ कंटेनर नंबर डालना है, यहाँ पर उसका साइज़ डालना है। इसके बाद यहाँ कंटेनर टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंटेनर जनरल हैज़ है, ठीक है। यहाँ पे सी एस सी प्लेट पर जो उसका वेट है 32,500 या 30,500, 30,200 ऐसा कुछ होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। के जी एस में होता है वो सारा, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको वीजियम वेट डाल देना, जो कार्गो प्लस और जो टेयर वेट प्लस करके जो वेट आता है वो वीजियम वेट होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वेट ब्रिज नंबर आपको डाल देना है, यहाँ पे जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जहाँ से भी वेट कराया है उसका कंटेनर का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ उसका एड्रेस डाल देना है। यहाँ वेट ब्रिज स्लिप नंबर जो भी आपको मिलता है, वेट कराने के बाद स्लिप मिलती है उसके ऊपर जो वेट होता है, वेट जो स्लिप नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो वीजीएम आपने बनाया होगा ऑथराइजेशन लेटर बाय शिपर पे आपको सेलेक्ट करना है, और चूज़ ऑफ फाइल पे आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल इसकी सेलेक्ट करनी नहीं है जो आपने वीजीएम आपने बनाया है, ठीक है। और सेव पे आप क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट कर देना है, आपका वीजीएम सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक करने के लिए आपको ट्रैक रिक्वेस्ट पर जाना है, यहाँ पर आपको जो भी आपका कंटेंट नंबर होगा और या फिर पुराने से पुराना आप सेलेक्ट करना वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पुराना देख के यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितने वीजीएम सबमिट हुए होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैंसिल हो गए हैं, ये वेरीफाइड है, जो वेरीफाइड है ये हमारे फाइनल हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप वीजीएम सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको वीजीएम सबमिट करना है और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।